हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेजरिंग। हम लोग कैसा मेजर करते हैं, जो मेजरिंग टेप का थ्रू में करते हैं, किसी का थ्रू भी हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग मेजर को कैसे मेजरिंग करते हैं और मेजरिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जैसे mm को इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, mm को cm में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे इंच को यार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इंच है उसको फुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो mm है उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो चार सूत है चार सूत को हम लोग कैसे लिखेंगे, mm को इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो mm को सूत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका बारे में आज पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में मेजरिंग के बारे में आप तो थरो हो जाओगे। और जो मेरा चैनल में आज नया है, प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब फ्री है, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। और चलते हैं वीडियो के ऊपर में और डिस्कशन करते हैं मेजरिंग के ऊपर में। चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल फिटर्स। जो मैकेनिकल फिटर्स को मेजरिंग टेप के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन ए इंच, एक इंच में कितना मिलीमीटर होता है। 25.7 mm, 25.4 mm, 24.3 mm। जो एक मिलीमीटर होता है, एक इंच में कितना मिलीमीटर होता है, उसका आंसर है 25.4 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूत इन ए इंच, एक इंच में कितना सूत होता है। 12 सूत, 10 सूत, 8 सूत। उसका आंसर है एक इंच में सी 8 सूत होता है। उसका आंसर है 8 सूत होता है एक इंच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू राइट 4 सूत, हम लोग 4 सूत को कैसे लिखेंगे। 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/8 इंच। हम लोग जो 4 सूत को लिखेंगे उसके करेक्ट आंसर कौन सा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका आंसर है बी 1/2 इंच। हम लोग 1/2 इंच इज इक्वल टू 4 सूत हम लोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर इन ए मीटर, एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। 1200 मिलीमीटर, 1180 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर। हम लोग का आंसर जरूर कीजिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। उसका आंसर है 1000 mm बा 1000 मिलीमीटर एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन ए इंच, एक सेंटीमीटर में कितना, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 2.54, 2.48, 3.21। उसका सही आंसर है ए 2.54, वह एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंचेस इन ए फुट, एक फुट में कितना इंच होता है। 12 इंच, 18 इंच, 10 इंच। जरूर आंसर कमेंट कीजिए। एक फुट में आंसर है, सही आंसर है एक फुट में 12 इंच होता है। आंसर ए है एक फुट में 12 इंच होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी mm इन ए सूत, एक सूत में कितना mm होता है। इसका आंसर है 2.54, 4.13, 3.17। एक सूत में कितना mm होता है, उसका आंसर है सी 3.17 mm। एक सूत में 3.17 mm होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंचेस इन ए यार्ड, एक यार्ड में कितना इंचेस होता है। 39 इंचेस, 36 इंचेस, 37 इंचेस। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपका सही आंसर जो है। उसका आंसर है बी, एक एड में 36 इंचेस होता है। जरूर उसको याद रखिए, बहुत सारा जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछता है जरूर एक एड में कितना इंचेस होता है। आप जरूर सही आंसर दे दिए, 36 इंचेस होता है। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आज का जो वीडियो था मेजरिंग के ऊपर में था, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कहीं पे डाउट है तो आप मेरे को क्वेश्चन किए, मैं आपको उधर में आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज का वीडियो 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार, आदाब, सलाम, शास्त्रीय अकाल।